नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनता न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर, आइए डालते आज की खास खबरों पर नजर। उन्नाव रक्षा इकाई के जिलाध्यक्ष दर्जनों ग्रामीणों सहित प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव की, जो आए दिन रेप कांड हो या भ्रष्टाचार, ग्राम प्रधान की दबंगई को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। उन्नाव विकास खंड हसनगंज ग्राम पनेदिया में सैकड़ों गरीब असहाय व्यक्ति ग्राम प्रधान राम दुलारी की भ्रष्टाचार के पोल वर्षों से खुलते नजर आ रहे हैं। ग्राम प्रधान राम दुलारी प्रतिनिधि गोविंद ने पात्रों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं। पात्रों को प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय में भी बंदर बांट किया जा रहा है। दर्जनों शौचालय पूर्ण पड़े हुए हैं और मनरेगा के नाम पर सैकड़ों व्यक्ति देश विदेश अन्य जनपदों में रह रहे हैं, लेकिन दबंग ग्राम प्रधान सैकड़ों मजदूरों के नाम से मनरेगा का पैसा डकार रहे हैं। ग्राम विकास निधि से प्रधान द्वारा जमकर सरकारी खजाने का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, जिसकी शिकायत दर्जनों ग्रामीणों ने हसनगंज डीएम साहब को की। डीएम साहब ने जांच के आदेश भी दिए। अधिकारियों की मिलीभगत से प्रधान की भ्रष्टाचार की जांच को दबा दिया जाता है, जिसकी शिकायत गौरक्षा इकाई जिलाध्यक्ष शिवराम पांडे और दर्जनों पीड़ित ग्रामवासी जनपद उन्नाव के तेजतर्रार डीएम महोदय रविंद्र कुमार से उम्मीद की आस लगाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। दर्जन ग्राम प्रधान के सताए हुए आजाद, राजेश, राम बाबू पिंटू, ब्रिजेश, होशराम, नहिकू, रुद्रेश, अंकित, छोटू, शिवराम, अमरनाथ, अजय कुमार आदि लोग शामिल रहे। रवि शंकर पाल के साथ धर्मेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट, संवाददाता उन्नाव। 15 साल पूर्व बने शौचालय ये देख लीजिए आपके पास, हमने अभी बताया भी है, दिखा भी रहे हैं। 15 वर्ष पूर्व बने थे दो शौचालय, 24,000 रुपया निकाल लिया गया। ये रिकवरी का आदेश है, इसमें एक लोग सिर्फ बचे हैं। नरेगा में लोग चंडीगढ़, लखनऊ, हसनगंज, उन्नाव रह रहे हैं, उनकी फर्जी मजदूरी चढ़ा के पैसा निकाला जा रहा है। ये भैया जी हैं, इनका 70,000 रुपया ले लिया हम लोगों के सामने, बोले दुकान की ईंटा गिट्टी मोरंग सीमेंट सरिया दे देंगे। सिर्फ इनको दो टाली ईंटा दिया, पूरा पैसा जब्त कर गए। तो प्रधान जी, प्रधान जी जी, अब कोई अगर कुछ कहता है तो चूँकि प्रधान महिला हैं, जमींदार परिवार से हैं, उनका अंग्रेजों वाली वही हुकूमत, गांव में ही मायका है, 100 लोग हैं कम से कम, तो गुंडाई दबंगई करके सबको दबकाते धमकाते हैं। ये देख लीजिए, एसडीएम साहब को हम 15 लोगों ने हलफनामे दिए थे जी, इसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, सब डस्टबिन में डाल दिए गए जी। एसडीएम साहब को जो आपने वो दिए एप्लीकेशन, तो उसके कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई कार्यवाही किसी में आज तक, जब रिकवरी का आदेश लिए घूम रहे हैं, रिकवरी नहीं हुई तो और क्या कार्रवाई हो जी। ये दबंग प्रधान है जी, ये बस धमकाते रहते हैं। तो जिलाधिकारी को अभी ज्ञापन दिया, अभी जिलाधिकारी महोदय को देके आए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया? कि हम ये फाइल पुटअप करते हैं, इसको मंगाते हैं, हम जिला स्तर से इसकी जांच कराते जांच कराते हैं जी जी। मिलकर सब लोग का ये मामला है जी। अभी ग्रामीण इतनी दहशत में रहते हैं कि वो बंदूकें तक ले लेके धमकाते हैं जी जी। जिनके नाम बंदूक है, वो 80 साल के हैं, बंदूक लेके खड़ा नहीं हो सकते, उनके लड़के और नाती ले लेके दुनाल लहराते हैं कि क्या करोगे क्या करोगे जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग ग्राम पमेदिया तहसील व ब्लॉक हसनगंज जनपद उन्नाव से हैं। जिलाधिकारी जी से मिलके हमें कुछ आसल लगी कि हाँ कुछ साफ सुनवाई करेंगे जी जी। तो जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि आपका जी सर जी।